हे हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। सो गाइस, ये मेरे चैनल का 15th व्लॉग है और आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ के ब्रांड न्यू मॉल एमराल्ड मॉल। अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ भी बोलते हैं। चलिए आपको मॉल दिखाते हैं, आइए। तो गाइस, अब हम लोग पकरी पुल से निकल चुके हैं और आशियाना की रोड पे हैं और ये मॉल जो है वो पावर हाउस चौराहे के पास पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट जाकर ही पावर हाउस चौराहा आ जाएगा। मतलब ये जो चौराहा आने वाला है, इसके बाद वाला चौराहा पावर हाउस चौराहा कहलाता है और उसी के पास है हमारी डेस्टिनेशन, अपना मॉल जो बहुत ही अच्छा है और नया खुला है अपने लखनऊ में। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो डायरेक्शन मैं बता सकता हूँ, ईजी है। अपना अवध चौराहे से पकरी पुल आ जाओ, पकरी पुल से स्ट्रेट सीधा रास्ता है पावर हाउस चौराहे के लिए और पावर हाउस चौराहे पे तो आपको मॉल दिख ही जाएगा, इतना बड़ा सा मॉल खुला हुआ। भाई ये रहा अपना एमराल्ड मॉल और इसे क्या बोलते हैं, एमराल्ड बोलते हैं, इमराल्ड बोलते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा मुझे, जो भी बोलते हैं ये है मॉल। और यहाँ पे डिवाइडर मतलब कट नहीं है तो हम लोग को आगे से जाना पड़ेगा शायद पार्किंग के लिए। तो गाइस, दिस इज वे टू पार्किंग और हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। ओ पार्किंग अरे मैक्स हाइट 2 मीटर और ये यहाँ की पार्किंग है और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं पार्किंग में। टैक्सी कैसी पार्किंग है, लुलू मॉल की तो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ की देखते हैं कैसी है। ओए ये तो बहुत उबड़ खाबड़ है यार, ये यहीं पर पर्ची कटेगी लग रहा है। तो गाइस ये 2-व्हीलर पार्किंग है और 4-व्हीलर पार्किंग थोड़ा पहले पड़ जाती है। अभी हम लोग को यहाँ से स्ट्रेट जाना है और आगे से राइट। ये अंदर कुछ बना नहीं है, नीचे क्या कबाड़ का काम होता है भैया, नीचे इतना क्यों कबाड़ रखा हुआ है। तो गाइस ये देखिए, यहाँ की बैटरी वाली बाइक भी आ रही है अपने लखनऊ में, तो काफी मस्त लग रही है यार बैटरी वाली बाइक। पेट्रोल के पैसे भी बच रहे हैं, बैटरी से चला रहे हैं, मस्त चार्ज कर लो निकल लो। अरे गाइस, तो ये पार्किंग से हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और ये क्या लिखा है, जीएफ एग्जिट। अगर आपके साथ गर्लफ्रेंड भी आई हुई है तो आप उसको यहाँ से एग्जिट निकलवा सकते हैं, ये वाला दरवाजा, ये वाला कहते हैं तोड़ के भाग जाए और यहीं से वो निकल के जा सकते हैं। जीएफ के लिए अलग से एग्जिट बनी हुई है, ठीक है। और बॉयफ्रेंड के लिए मतलब बीएफ के लिए शायद ऊपर होगी कुछ। तो गाइस ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये हमारा एमराल्ड मॉल और इसके बाहर का पोर्शन देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए थोड़ी सी जगह बनी हुई है और ये डेकोरेशन है अगर फोटो वगैरह आपको क्लिक करवानी है तो किसी चीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है। तो मॉल भी काफ़ी बड़ा लग रहा है बाहर से देखने में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉप लगी हुई हैं, अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी तो आप बाहर यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो गाइज ये देखिए मेरे पीछे डेकोरेशन काफ़ी मस्त लग रही है, खटिया वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए अब आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये अपना पीछे है मेन एंट्रेंस, अब हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे और फिर आपको अंदर का दिखाते हैं कैसा मॉल है, कैसा क्या है अंदर। ये टू टू की आवाज़ डरा देती है, चेक कर।
ओ ये जो भाई इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे अगर फोटो वोटो खिंचानी है आपको तो खिंचा सकते हैं आप। और ये सामने फिर से गांव का थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है फोटो वगैरह के लिए, और ये बच्चों के लिए गाड़ी हुआ है और बच्चों को खेलना वगैरह। ये कॉस्टा कॉफ़ी है इधर, और बाकी शॉप्स वगैरह हैं, शॉपर स्टॉप है वहाँ पे। सो गाइस सुनने में मिला था ये मॉल काफ़ी धांसू है, और हम इसके अब ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और वो साइड में लगी हुई है डेकोरेशन इसकी। ज़रा डेकोरेशन दिखाइए ज़रा इनको, डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी हुई पड़ी है। आइए आगे से दिखाते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है इसका, अभी आपको चल के दिखाते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर इसका, और एंड में देंगे हम रिव्यू कैसा मॉल है और आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे ये देखिए आप बैकग्राउंड में से। ये देखिए गाइस ये है यहाँ का मैकडी मैकडोनल्ड्स, और ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। अब हम लोग यहाँ से आपको पूरा घूमते हुए, ये यहाँ से और ये पूरा घूमते हुए, ये पूरा घूमते हुए, और ये फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से ये देखिए इस जूमर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सारा कुछ आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखेगा, अभी हम लोग आपको सेकंड फ्लोर पे लेकर के चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या है सेकंड फ्लोर पे। ओह सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे दिखाते हैं आपको क्या क्या है। मॉल काफ़ी एवरेज टाइप है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, मुझे लगा था अपने आलमबाग वाले फिनिक्स से तो बड़ा ही होगा, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा यहाँ पे देख। यहाँ का फूड कोर्ट है काफ़ी ठीक ठाक है, पर काफ़ी शॉप्स अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुई है। और यहाँ पे एक छोटी सी कैवेंटर्स की शॉप भी है। यार एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी, मॉल तो अच्छा है, मॉल तो सारे अच्छे होते हैं, पर ये छोटू सा है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा लग नहीं रहे, तो अपने यहाँ के आलमबाग के फिनिक्स यूनाइटेड मॉल से भी छोटा है, पर ठीक है घूमने के लिए। कुछ शॉप्स यहाँ पे हैं जो थोड़ा सा अलग खुली हुई हैं यहाँ पे, जो अपने फिनिक्स में नहीं मिलेंगी आलमबाग में, और उसी के पास ये पड़ता है, तो अगर आपको कुछ अदर चीज़ें आई थिंक परचेज करनी है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो गाइज ये सेकेंड फ्लोर है, और यहाँ पर शॉपर स्टॉप पर शॉप है, हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम ढूंढने जो कि सेकेंड फ्लोर पर है, और वॉशरूम के अंदर भी आपको दिखा देंगे कैसा यहाँ का वॉशरूम है। मिरर सेल्फी वगैरह लेनी होती है ना। गाइज़ ये यहाँ का जेंट्स वॉशरूम है, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। यार नीट एंड क्लीन है, अभी नया खुला है इसलिए नीट एंड क्लीन तो काफ़ी लग रहा है यहाँ पे। हो क्या क्या दिखा रहे हैं, हम भी वॉशरूम तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। चलिए अब आप लोगों को लेकर के चलेंगे हम लोग थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे आइनक्स मूवी थिएटर वगैरह सारी चीज़ें ऊपर हैं थर्ड फ्लोर पे, तो अभी आप लोगों को वहाँ लेकर के चलेंगे और वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे कैसा है अंदर से। चलिए चलते हैं। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, ये यहाँ से आइनक्स मेगाप्लेक्स वगैरह सब ऊपर है। ओम हो गाइज ये यहाँ का आईनेक्स है, और आई थिंक पता नहीं यहाँ पे अंदर जाने देंगे नहीं देंगे हम लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो थर्ड फ्लोर पे पूरा आईनेक्स बना हुआ है, और कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर आपको मूवी देखनी तो यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और थर्ड फ्लोर पे पूरा मूवी का पोर्शन है, तो अभी हम लोग को मूवी तो देखनी नहीं है आज, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर से आपको दिखा करके यहीं से वापस लौट जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे अब देखने के लिए पठान मूवी जब रिलीज़ होगी, पक्का यहीं पर आना है। सो गाइज ये इमरॉल मॉल चार फ्लोर का है, मतलब तीन फ्लोर का है और एक नीचे लोअर ग्राउंड है इसका, तो
तो अभी आप लोगों को मैंने फर्स्ट फ्लोर दिखाया, सेकंड फ्लोर दिखाया और पर लोअर ग्राउंड नहीं दिखाया। अभी हम आपको दिखाएंगे लोअर ग्राउंड। तो गाइस ये जूडियो स्टोर है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने ये पलासियो में भी नहीं देखा, मैंने ये लुलू मॉल में भी नहीं देखा और मैंने ये फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में भी नहीं देखा। ये सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। तो अगर आपको जूडियो के स्टोर से कुछ खरीदना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। तो गाइस ये इसका लोअर ग्राउंड है, जो मतलब ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल शॉप खुली हुई है, लिकर लैंड। तो अपने यहाँ के लखनऊ के जो भी नशेड़ी भाई हैं या अगर आपको दारू सारू पीनी है तो आप ये लेकर लाइन में भी आ सकते हैं। काफ़ी मस्त लग रहा है, सारे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सारे दारू यहाँ मिलेगी आपको। मस्त बढ़िया, यहाँ पे पियो खाओ मौज करो। तो गाइज अब चलो इसका फाइनल रिव्यू देते हैं आप लोगों को। अगर कंपेयर करा जाए इसे फिनिक्स पलासियो लुलू मॉल और फिनिक्स यूनाइटेड मॉल के, तो ये मॉल आई थिंक 10 में से अगर मार्क्स दिए है इसको तो आई थिंक 5 या 6 में बैठता है, क्योंकि छोटू सा मॉल है, छोटू सा। अगर आपको मूवी देखनी आईनक्स में तो वो पलासियो में सिर्फ मिलेगा। उसके अलावा अगर कहीं मिलेगा अपने लखनऊ के अंदर तो फिर वो पलासियो साइड में पड़ जाता है। तो लखनऊ के अंदर अगर आप चाहिए आईनक्स में तो आईनक्स आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आईनक्स के लिए अगर मूवी देखनी आपको आईनक्स थिएटर में तो ये बेस्ट मॉल है, अपना पास भी पड़ेगा और आशियाना में है ये, LDA में है और पावर हाउस चौराहे के पास है, तो ये अपने लिए काफ़ी अच्छा है मूवी वगैरह देखने के लिए। सो गाइज ये था मेरा इमरान मॉल का व्लॉग। आई होप सो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अब मैं आ चुका हूँ इमरान मॉल के बाहर और यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा पीछे मेरे मॉल। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ इमरान मॉल के बाहर। अगर आपको इस मॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। और मॉल काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल। अगर आप लोगों को आना है मूवी वगैरह देखने के लिए तो ठीक ठाक है, उसके लिए अपने पास में पड़ जाता है, आशियाना में ही पड़ जाता है, तो अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल ठीक ठाक मॉल है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर के लिए और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। टिल देन बाय, टेक केयर।